गुड मॉर्निंग, इट्स यश हियर अगेन। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अब बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब आपको प्रिपरेशन तेज करना है, आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। बहुत से लोग मेंट कर रहे थे कि हम CVET दे चुके हैं, हमको लग रहा है कि हमारा हो जाएगा, तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अभी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जितना भी नोट्स प्रिपेयर किए हो CVET के लिए, वो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को उठा दो, क्योंकि बैकअप इज़ मस्ट। उनका एप्लीकेशन नहीं पता है, वो कैसे एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे, ये तो एक पॉसिबल स्ट्रेन है। बट जो उनका डायलेमा है वो जियोपोलाइज कर देता है। क्या उनको क्या कंडीशन होगी, क्या शर्तें होंगी, वो आगे वो अपना अचीव करेंगे। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, तो उनको 248 में आराम से निकालने हैं। सो गाइस, आज हम लोग बढ़ते हैं। तो आज आपकी हम प्रिपरेशंस बताएंगे कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लास्ट टाइम पे, जिनका कुछ भी नहीं प्रिपेयर है। सबसे बेस्ट चीज़ आप है जो आज मैं बताने वाला हूँ, वो मैं आपको पूरा सरप्लास करवा रहा हूँ इंडियन पॉलिटिकल थॉट से और पब्लिक एड से। बिकॉज ये एक ऐसा रैलाम है कि इस बार इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पब्लिक एड आता भी है, क्योंकि आप लोग जब CVET दे रहे होगे तो पब्लिक एड का रैलाम ही अलग हो गया था, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। लास्ट ईयर जब हम लोग JNU की बात करते हैं, तो मोस्टली क्वेश्चंस पब्लिक एड और इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आए थे। तो बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू स्टैटिक सोर्स, ये आपको क्या करेंगे इस बार, ये आपको पब्लिक एड के क्वेश्चंस भी देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी, प्लाटो, रोशो, मैकियावेली, ये सब ये लोग दे के परेशान हो गए होंगे। तो कुछ ज़्यादा एक रैलाम में होगा, तो जिनका बॉन्डिंग क्लियर है अपने प्रिपरेशंस का, वो रिवीजन करें। और जो मैं आज बता रहा हूँ वो आप लोग देख के चलते हैं। सबसे पहले क्या है, ये मैं लास्ट 2 वीक प्रिपरेशन बता रहा था, अब तो आपके पास 11 से 12 दिन ही बचे हैं पेपर के। लेकिन जो मेरी पहली वीडियोस थी, जो मैंने इंडियन पॉलिटी बताई थी, वो आपने कर ली होगी अभी तक। मैंने टाइम खूब दे दिया था आपको, वो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। मैंने अमेंडमेंट्स के साथ साथ मैंने हर एक आर्टिकल्स बता दिए थे, एसर्शन रीज़न को कैसे सॉल्व करना है, मैंने सब कुछ बता दिया था। आज बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, कुछ हम लोग डायलेमा लेके चलते हैं, इसी चीज पे पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे हम लोग बात करते हैं, तो उसमें मंडल आया था, लिस्ट ए और लिस्ट बी को मैच करना था, मंडल आया था, अद्वैता वेदांता आया था, सप्त क्रांति आया था, और फतवे जानदारी आया था। तो जो फतवे जहानदारी था वो आप पहले समझ गए होंगे कि मुस्लिम थॉट से था, तो वहाँ पे बारूनी होगा। फिर सप्त क्रांति JP नारायण, सब लोग जानते हो, जब आप लोग बुक में पढ़ोगे तो उनकी बुक्स में ब्लैक बॉक्सेस में आराम से हाईलाइट करके लिखा हुआ है। आप लोग जब वेदांता पढ़ोगे तो आप लोग स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो। अब आप लोग जब मंडल पढ़ोगे तो मंडल थ्योरी कौटिल्य से जब ऑप्शन में आएगा, तो इतना तो आप कर ही लोगे। ये लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज ट्रू अबाउट द सावरकर पॉलिटिकल फिलोसफी। ऑप्शन में था, ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन हिंदुत्व, हिंदुज्म एंड बिलीव दैट अनलाइक हिंदुज्म, हिंदुत्व वाज अ सिविलाइजेशनल एंड पॉलिटिको कल्चरल कैटेगरी। बिल्कुल सही था, ये डिफरेंशिएट उन्होंने किया था, उन्होंने हिंदुत्व हिंदुज्म को पीछे से डिक्लाइन कर दिया था। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे उन्होंने क्या किया था, ऐसे टॉपिक्स रिलेटेड कैसे होंगे जो इस बार आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, एक हिंदुज्म को अलग कर दिया, हिंदुत्व को उन्होंने अलग कर दिया कि हिंदुत्व जो है वो एक सिविलाइजेशनल और पॉलिटिकल कल्चर कैटेगरी का था, जो एक इम्पैक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट था, जो 1857 वॉर है, या हम लोग इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल कहा था। फिर हिंदू पद पदाक्षी जो इनकी बुक थी उसमें का एक कोटेशन आया था, वो बिल्कुल सही था। और एक हिंदू कंसोलिडेशन आया था, वॉज इम्पॉसिबल अनटचेबिलिटी की इन्होंने जब बात की थी, वो भी बिल्कुल सही था। तो इसमें चारों ऑप्शन सही था। तो अब आपने नेचर देखा, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा, और पिछली वीडियोस जितनी मेरी हैं वो देखिए, मैंने वहां पे क्वेश्चन सब ड्वेल किए हैं। बट मैं इन दोनों क्वेश्चन के स्ट्रैंड्स में जितने भी क्वेश्चन थे वो टॉपिक्स में ही हैं, वो मैं आपको बाद में ड्वेल करूंगा। फिर आपको सावरकर साहब में पढ़ना क्या है, आपको हिंदू एंड आइडियोलॉजी ऑफ हिंदू राष्ट्र पढ़ना है, आपको हिंदू हिंदुत्व और हिंदुज्म पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन आया था, तो आपको 2-3 टॉपिक सब्स्टिट्यूट एलिमिनेट कर सकते हैं। पिछली बार उन्होंने हिंदू हिंदुत्व और हिंदुज्म पूछ लिया था, तो इस बार वो हिंदू आइडियोलॉजी ऑफ हिंदू राष्ट्र पूछ सकते हैं, इस बार वो क्रिटिक ऑफ हिंदुज्म पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा, आप एलिमिनेट सब्स्टिट्यूट जब करोगे तो आपके पास एक वेंचर खाली होगा कि लो लास्ट ईयर पूछते क्या थे। तो इससे क्या हो गया, सावरकर जी आपका कंप्लीट हो गया, आपको इतना पढ़ना है। फिर आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती, इस पर भी एक क्वेश्चन आया था, बेसिकली इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनके कुछ काम पूछ लिए थे। तो इनमें आपको क्या पढ़ना है, सोशल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस पढ़ना है। अगर आपके पास हिमांशु रॉय MP सिंह है तो आप उससे पढ़ सकते हो, नहीं है तो आप विद्युत चक्रवर्ती में भी पढ़ सकते हो। बट जितना ये कल्चरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो आपका MP सिंह में ही मिलेगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। बुक नहीं होगी तो आप प्ले कर सकते हैं, मैं ग्रुप में
सेंड कर दूंगा जिनके पास बुक नहीं है। तो स्वामी सहारनाथ सरस्वती में आपको इतना पढ़ना है, इसमें आपको जमींदार्स पढ़ने हैं जिन्होंने क्या इनका एलएनएचएस रहा था, किसान सभा और नेशनलिज्म में क्या था, कांग्रेस पॉलिटिक्स इन बिहार में इन्होंने क्या बताया था, और सहजनंद और सोशलिस्ट में सहजनंद और कम्युनिस्ट ये इनकी थ्योरी क्या थी, ये आपको प्रोडक्ट्स करके पढ़नी है। फिर हम लोग आते हैं स्वामी विवेकानंद जी पे, इस पर आपको क्या पढ़ना है, इनका भी क्वेश्चन आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसमें आपको इनकी लाइफ एंड टाइम्स पढ़ने हैं, वहाँ से आपको विवेकानंद जी का और जो प्रॉब्लम थे कंटेम्प्रेरी इंडिया में जब वो एज अ रेनेसेंस आए तो वहाँ पे क्या होगा, विवेकानंद जी और जो रिवलाइजेशन है इंडियन लाइफ का वो कैसे आया था, तो ये आपको वहाँ से पढ़ना है। फिर आपको अरविंदो पढ़ना है, इसमें नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी में आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पढ़नी है, आपको आइडिया ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस पढ़ना है जो अरविंदो जी का था। फिर हम आते हैं अम्बेडकर साहब में, यहाँ पर उनकी डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक थ्योरी में इनको सोशो कल्चर राइट्स आपको पढ़ने हैं, आपको पॉलिटिकल राइट्स पढ़ने हैं, आपको इकोनॉमिक पढ़ना है, आपको खॉटी सिस्टम पढ़ना है, आपको लेबर मूवमेंट पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम पढ़ना है, और आपको क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म पढ़ना है जो इन्होंने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको स्टेट सोशलिज्म पढ़ना है। अब हम आते हैं लोहिया डेमोक्रेसी पे, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम क्या था, लोहिया साहब का पिछली बार क्वेश्चन था लोहिया पे, लिमिटेशन ऑन फ्रीडम पढ़ना है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्टेट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर पिलर स्टेट, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का था, तो मैंने देखा ना कि आपको एलिमिनेट और सब्सिट्यूट करने के लिए मैंने और टॉपिक्स भी बता दिया, आपको इतना पढ़ना है, और डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म क्या थी इनके अकॉर्डिंग वो आपको पढ़नी है। फिर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप उठाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी बी ऑनर्स का जो सिलेबस है वो एक पर्सपेक्टिव होता है, वो आपको बहुत ईजी लगेगा जब आप लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, पूरी बुक खोलने से कोई मतलब नहीं है, डी यू में देखिए आप उसमें दिया क्या है, सबसे बड़ी चीज़ दी है जो मीनिंग है, डायमेंशंस है और सिग्निफिकेंस है, जब हम लोग इंट्रोडक्शन में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जब एज अ डिसिप्लिन अडॉप्ट किया गया तब आपको ये पढ़ना है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, थिंकर्स जितने भी हैं आप थिंकर्स पढ़ लीजिएगा, कोई भी बुक हो, अगर आपके पास अवस्थी एंड महेश्वरी हो, अगर आपके पास लक्ष्मीकांत हो, तो उसमें जब थिंकर्स की बात आती है ना इन सब टॉपिक्स में तो वो एकदम ब्लैक से हाईलाइट कर देते हैं, तो आपको थिंकर्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करने हैं, थिंकर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। फिर आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है, एफ डब्ल्यू टेलर का कोई भी बुक होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उसमें मिल जाएगा। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पढ़ना है, गुलिक का, उर्विक का, फॉयल का। फिर आपको एल्टन मायो का ह्यूमन रिलेशन थ्योरी पढ़नी है। फिर आपको हर्बर्ट साइमन की रेशनल डिसीजन पढ़ने हैं। फिर आपको रिक्स का एकोलॉजिकल अप्रोच पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अब पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरेनी से आपको स्टार्ट करना है। फिर आपको कुछ 6 मेजर थीम्स पढ़नी है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डी यू ई टी में क्वेश्चन आया था, ये शायद मैं पेज भूल गया हूँ, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, बाद की वीडियो में आपको ये लिख के बता दूंगा, तो आपको नोट करना है, हनी रिपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विस, ये पहला था 1967 का। सेकेंड था आपका द फिलाफेल्डिया कॉन्फ्रेंस ऑन द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है द फर्स्ट मिनूब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968। फिर फोर्थ है द पब्लिकेशन ऑफ टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिनू ब्रूक की एक पर्सपेक्टिव दिया था फ्रैंक मेरेनी ने, वो पढ़ना है। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ ट्रिबुलेंस, जो ड्वाइट वाल्डो ने दिया था 1971 में, सेकंड मिनू ब्रूक और थर्ड मिनू ब्रूक। मैं ये आपको पिक भेज दूंगा, ये शायद पिक मिस हो गई है बट मैंने आपको भूल दिया, डिक्टेट कर दिया है, आप उसको लिख लीजिएगा। फिर आपको पब्लिक चॉइस अप्रोच में आना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको विंसेंट ऑस्ट्रॉन पढ़ना है, ये पिछली बार जेएनयू का क्वेश्चन था। फिर आपको डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है इनका। फिर द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इनकी बुक लिखी थी, ये आपको पढ़ना नहीं है पूरा, ये आपको याद रखना है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से कौन ऐड था, या इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एड बुक किसने लिखी थी, तो आपका विंसेंट ऑस्ट्रॉन हो जाएगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन में आते हैं, यहां पे आपको विलियम निकासन, आपको जे बेंडोर और डी ब्लैक, एंथनी डॉन्स, ये आपको एंथनी डॉन्स से ये आपको याद रखना है कि ये लोग जो हैं ये लोग कुछ यूटिलाइज्ड वर्कर हैं जब हम लोग पब्लिक चॉइस अप्रोच की बात करते हैं। सो गाइज, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके लिए सबसे बड़ा चीज़ ये होना चाहिए कि आपको कैंपस लाइफ का मज़ा लेना है, तो अगर आपका चांस छूट गया है सीयूईटी में, आपके अच्छे नंबर नहीं हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डीयू के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हो और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के और चैप्टर्स बताऊंगा, उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का भी एक्सप्लेनेशन आपसे करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सबसे एक ऐसी हेल्प है जो हमेशा कहीं नहीं मिलेगी, और इतना ज़्यादा कोई टॉपिक क्रिएट करके लिख के बताता भी नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।